फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनु सोनी व्लॉग्स पे। तो सुबह के बज रहे हैं 9, अभी हम उठे हैं, लेट सोए थे रात तो अभी लेट उठे हैं। तो आज हम जा रहे हैं पंजाबी सिंगर ब्राउन दीप से मिलने के लिए। तो मैंने कल उनसे फ़ोन किया था कि भाई हम आ सकते, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ज़रूर आओ, तो हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको मिलवाएंगे उनसे। वो पंजाबी सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर चलो जल्दी से मिलते हैं, तो मैं तैयार हो जाता हूँ, वैसे भी लेट हो गया हूँ, तो फिर चलो वो कहीं चल ना जाएँ, तो चलो फिर जल्दी से मिलते हैं। हो चुका हूँ तैयार और मैंने उनको फ़ोन कर दिया, वो बोल रहे हाँ अभी मैं घर ही हूँ, तो मैं अभी जल्दी से जाता हूँ उनके पास क्योंकि उन्होंने शूट पे भी जाना है अपने, तो फिर मैं जल्दी से निकलता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं उन्हें घर पे, सरप्राइज़ क्या देंगे वैसे पता ही उन्हें मैं आ रहा हूँ, तो चलो फिर जल्दी से उनके घर जाते हैं और मिलते हैं। चलो फिर उनकी गली में पहुँच चुके हैं, अभी उनके घर का तो पता नहीं कौन से वाला है, तो आंटी जी से पूछते हैं उनका घर कौन सा है। ब्राउन दीप का घर पता केड़ा जी आपनों, तो पता लग गया कौन सा, तो देखते हैं अभी। चलो आ जाओ फिर, कोई है तो सामने खड़े है। मैं हां भाई, क्या हाल है मनु? वधिया वधिया। आजा। तो फाइनली दोस्तों हमें यहाँ स्टार मिल चुके हैं, देख सकते हो आप ब्राउन दीप फाइनली हम इनसे मिल चुके हैं। तो और क्या हाल है फिर? बढ़िया बढ़िया, आओ बैठो। तो फाइनली इनसे मुलाकात हो गई, चलो इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं फिर आगे। हम बैठ चुके हैं इनके साथ में, तो मैंने इनका घर देखा, पूरा साधारण जीवन जीते हैं पूरा अपना। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनका मतलब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। तो वैसे मैंने वो कल रात फ़ोन किया था, तो इन्होंने फ्री फायर से पूछा भाई कौन है, थोड़े से मजाक है। अब लोग गलत कमेंट मत कर देना कि भाई जानता नहीं है इसको, गजब बेइज्जती है। तो नहीं, इनका फ़ोन भी आया था मेरे पास रात को, तो मैंने शूट पर जाना था तो फिर मैं रुक गया। हाँ, तो मैंने इन्होंने शूट पे जाना था, तो अभी ये थोड़ा लेट इन्होंने शूट कर दिया, तो अभी हम इनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। इनकी मुलाकात हुई थी जब मैंने अपना वो वाला ब्लॉग डाला था स्विट्ज़रलैंड ऑफ हरियाणा, तब वहाँ इनके गाने का शूट चल रहा था, तब हमारी मुलाकात हुई थी। तो आखिरकार हम इनसे मिल भी लिए, तो आइए हम जानते हैं इनसे इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे की इन्होंने, इनके कौन सी मुसीबतें हैं इनके बीच में, तो चलो इनसे बात करते हैं। तो बताइए फिर कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत तो ऐसे है जी, शौक था थोड़ा बहुत लिखने का और गाने का, फिर थोड़े दिन पहले, महीने पहले, तो हम दो तीन यार दोस्त थे, तो हमने स्कीम बनाई कि एक गाना करते हैं, तो फिर लिखे हुए गाने थे तो हमने बनाए और यूट्यूब पे डाले। पहला गाना आया था हमारा गुलाम, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने दूसरा गाना भी डाला है और अब तीसरे की तैयारी है। तो मैं आपके गाने का डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप भी ज़रूर सुनिए, बहुत अच्छे गाने हैं इनके। तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको, मतलब कि सक्सेस होते हुए समय? मुसीबत तो आती है जी, छोटे मोटे कामों में आती है, तो फिर भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है सिंगिंग ना, काफ़ी सिंगर है उनके बीच एक पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल टफ काम है, तो मुसीबतें आती रहती हैं, पर हर पैर पैर में मुसीबत आती है गाने में वीडियो में, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट गाना चलता रहेगा हर किसी के साथ। नेक्स्ट गाना भी आ रहा है, आप जरूर सपोर्ट करना, और गाने ऐसे आते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो शुरुआत है, अभी तो आगे जाके बड़ा कुछ करना है। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है मेरी भी शुरुआत ही है, तो चलो कोई नहीं, अभी शुरुआत है, आगे जाके अभी बहुत कुछ करना है। तो फिर शूटिंग के दौरान आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जैसे कि हम जब मिले थे उस वक्त तो बारिश का शायद मौसम था, तो फिर मैं जब वहाँ से निकला तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी, तो आपको मुसीबत का थोड़ा तो सामना करना पड़ा होगा। मुसीबत कैसे है जी, बारिश लगी थी, 3 बजे तक बारिश पड़ी, तो टीम भी डर गई थी और हम भी, कि इतना 3 बजे तक बारिश पड़ी थी, 3 बजे तक बारिश पड़ी थी और कम से कम 25 बंदे थे हमारी टीम में, तो फिर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो जाम शूटिंग कर रहे थे, वहाँ के गांव वालों ने काफ़ी हेल्प करी हमारी, तो फिर 1 घंटे बाद बारिश बंद होगी 4 बजे के आसपास, तो फिर हमारा शूट शुरू हुआ और रात के हमें 4 बज गए थे। तो गाइस कहते हैं ना, जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अच्छा ठीक है, समझ गया। मुसीबतें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप वो बता रहे थे कि क्या नाम, जब आपको पहला शूट में बहुत मुसीबतें आई, पूरा आपका पर जो इनका गाना था गुलाम, वो बड़ी मतलब इन्होंने थोड़ी मुश्किल के साथ लिखा तो था, इन्होंने लिखा, इन्होंने गाया वो गाना। तो इनकी टीम में कौन कौन है आपकी टीम में? मेरी टीम में तो जी देखो, पहले मैं अकेला ही था, गाना करके थोड़ा अपना
दिक्कत आ गई थी, पोडियो बनाया था जब हमने, वो अम्बाड़ा से बनवाया था। तो फिर मेरा फ्रेंड है एक लाडी अटवाल और एक विशाल टालीवाल, तो इन्होंने मेरी फुल सपोर्ट करी और साथ में हमने काम भी किया मिलके, और काफ़ी अड़चनों के बाद गुलाम गाना हमने पेश कर दिया था। तो गुलाम गाना आप भी ज़रूर सुनिए, बड़ा अच्छा गाना, मैंने भी सुना है। तो विशाल टालीवाल जी जो इनके दोस्त है, और दूसरा गाना है लाडी लाडी, तो उन दोनों ने इनकी बड़ी हेल्प की है, तो उनको भी फिर थैंक्स कहना ज़रूर बनता है, क्योंकि दोस्त ही काम आते हैं ज़्यादातर देखे जाए तो, हर काम में दोस्त की मदद मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। बगीचे में पहुँच चुके थे, तो अभी हम इनसे पूछते हैं, जैसे कि आज की यूथ आपको पता ही है नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, मतलब कि उनको मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें, उनको सिर्फ नशा दिखता है कि नशा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी नशे के, जैसे भारत में पता ही आपको, यूथ नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा जी ये कहना है कि जैसे हमारे ये दो गाने भी यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि वायलेशन सॉन्ग करो, अब ये तो हमने सुन लिया, लेकिन हम एक ऐसा सॉन्ग लेके आ रहे हैं जो कि इसको यूथ इंजॉय भी करेगा और उसमें मैसेज भी है। जैसे कि सरकारें आजकल इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही, नशा स्नैचिंग वगैरह हो रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो इन्हीं के ऊपर है, जो कि वो एक मैसेज भी है और इन्जॉय भी करेंगे उसको लोग। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनके अगले गाने आ रहे हैं वो ज़्यादातर अब सरकार को, आप मतलब क्या टारगेट करेंगे हम सरकार को, ये सरकार को भी टारगेट जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार का आपको पता ही है थोड़ा इधर उधर चलता रहता है उनका, तो यूथ के लिए ज़्यादा वो है कि यूथ अपने आप को मतलब सुधार ले कि भाई नशे की तरफ ना जाए, एक अच्छा अपना जीवन बिताने के लिए अच्छी ही राह की तरफ चलें। बिल्कुल ही दो सैड सॉन्ग आ चुके हैं, तो लोग आपको मैसेज वगैरह करते हैं क्या, रोमांटिक सॉन्ग नहीं निकालते या फिर खड़कू गीत नहीं निकालते? नहीं बिल्कुल आते आप इंस्टाग्राम पर मैसेज की ना, रोमांटिक बनाओ जी गाने, खड़कू बनाओ। अब हूँ अपना खड़कू गाना तो आ ही रहा है, शायद अगले महीने तक आ जाए, और रोमांटिक पड़ा है, बस हमने करना ही है वो भी। तो गाइस इन्होंने मतलब एक बात बताई दी कि अगले महीने भी इनका गाना आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल विशाल टालीवाल के नाम से है, उसको सब्सक्राइब जरूर करना, उस पर इनके गाने डलते हैं अब। तो मतलब कि अब आपका आगे क्या प्लान है आपका, मतलब कि अब बस गाने करने हैं जी हूँ। तो इनका आगे प्लान यही है कि अब बस अब गाने गाने निकाल रहे हैं, तो लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं अपने गानों के थ्रू, लोगों को बस समझने का नजरिया है कि लोग गानों किस तरह तरीके से लेते हैं। बिल्कुल, तो चलो फिर की बात चली रही थी, तो आइए हम इनसे गाने सुनी लेते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को पूरे लाइव में अपने दो बोल गाने को सुनाई दीजिए। रोमांटिक सुना देता हूँ जी मैं। हाँ जी, हाँ जी सुनाइए जरूर। हो बाल रखे शॉर्ट सूट पाया लोंग नी, उड़दा दुपट्टा रखे पूरा रोब नी, किन्नियां सहेलियां तू नाल फिरे रख दी, गल तां तू सुन जा करा मैं तेरे हक दी, पैरां तो भी पाए सूट पूरे खुले आ, झांजरां दा लै तूं जोड़ा ना मैं भुले आ, रोक दूं हवावां नी मैं तत्तियां, खून ज्यादा पावे मेरा कट डुलिया, एवें तां नी अड्डे उत्ते खड़ी कली है, जुल्फां हसीन गुट्टी उत्ते कड़ी है, एक एक फोटो तेरी लाइक करदा, घट्टो घट होनी ओह 35-40, किवें कट्टां जाग जाग रातां कालियां, गल्लां तेरे चुम्मदियां फिरे बालियां, किवें कट्टां जाग जाग रातां कालियां, गल्लां तेरे चुम्मदियां फिरे बालियां। तो वाह भाई क्या आवाज़ है इनकी, तो गाने इनके आने वाले हैं, रोमांटिक गाना भी सुना दिया इन्होंने, तो जल्दी जल्दी मतलब कि गाने सुनने के लिए अब तैयार रहना, बस आने वाले हैं, बस गानों की लहर लग जाएगी पूरी। तो इन्होंने पग बांध रखी है, तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं इनसे पग बंधवाऊँ, तो मैं इनसे भी पग बंधवाता हूँ, देखता हूँ मैं भी कैसा लगता हूँ पग बंधवा के, चलो देखते हैं फिर अभी।
फाइनली अभी यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। और नमे नमे गानों के लिए भाई का जो है विशाल तालीवाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और गानों के लिए तैयार रहिए। और अपने मनु सोनी ब्लॉग चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहे हो, और हर हफ्ते नवे वीडियो वास्ते लाइक करते रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल भाई। अब यूँ मत बोल देना कि भाई मैंने बोला इनको बोलने के लिए, उन्होंने दिल से बोला ऐसा। तो हर हफ्ते नवी नवी वीडियो के लिए तैयार रहना, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में।